हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपका तीसरा पार्ट राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्रों का, जिसमें हम पढ़ेंगे सुषिर वाद्य यंत्रों की ट्रिक और उसके बारे में। तो दोस्तों, सुषिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम आएंगे उन सभी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ख़ास तौर पर SI, पटवारी, वनपाल, हाईकोर्ट इनमें और रीट में आपको बहुत सहायता मिलेगी। वैसे तो ये सभी के लिए है, RS तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिए गए हैं जो पूछे गए हैं उनमें, तो उन सभी की मैंने ट्रिक बनाई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है उसके बारे में। तो आज हम सुषिर वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि सुषिर वाद्य यंत्र आखिर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, सुषिर वाद्य यंत्र, इसकी ट्रिक है दोस्तों, सीटू। देखो, मैं पहले आपको एक स्टोरी बताता हूँ। वो अब हम सभी जानते हैं कि जो मोर होता है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, सांपों को परेशान करते हैं। किसको? सांपों को परेशान करते हैं, उन सभी को। तो क्या करते हैं, उनसे मजाक करते हैं। तो मजाक को हम मारवाड़ी या ढूंढाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं, मसक। मस क्या मत करो मेरे से। तो वो है, तो उसके बारे में हम उसी के आधार पर हम ये ट्रिक बनाई है। कोई व्यक्ति है सीतू, उसे वो बोल रहा है, उसको बोल रहा है कोई आदमी कि सीतू, क्या बोल रहा है, सीतू सीतू सुन, सीतू सुन हर मोर नाग सुन, सीतू सुन हर मोर, यानी प्रत्येक मोर, हर मोर नाग सुन मसक करवा ताण, मसक करवा ताण भू सतह घूर रहा है। यानी उससे मजाक करने के लिए क्या कर रहा है, उस भू सतह को घूर रहा है वो। तो बस यही ट्रिक है, ये याद रख लेना, ये सुषिर वाद्य यंत्र की ट्रिक है। अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या आता है, कि कौन से शब्द से क्या बनता है। वैसे हम सभी को पता है कि वाद्य यंत्रों की नाम तो जानते हैं, बस उनके अगले वाले नाम से हम पूरा नाम बता देंगे। तो सीतू, सीतू से दोस्तों क्या है, सीतू से क्या बन गया, सी से बन गया क्या हो, सिंगी। क्या बन गया, सी से सिंगी बन गया दोस्तों, ये देखिए, सी से सिंगी बन गया या सिंगा, दोनों ही इसके हैं। तू से, सीतू में तू है तो उसको बोलते हैं तुरई। क्या बोलते हैं उसको, तुरई। ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। सुन, सुन के लिए है कि सुन से क्या आते हैं, सुषिर वाद्य यंत्र, याद रख लेना। सुन से क्या याद रखोगे, सुषिर वाद्य यंत्र। ठीक है, सुर। न से क्या याद रखोगे दोस्तों, न से यह है कि ये नड है, नड। ठीक है, हर, हर से याद रखना हरनोई, हर से क्या याद रखोगे, हरनोई। मोर से याद रखना दोस्तों, मोरचंग, मोरचंग भी सुषिरवाद यंत्र है। ठीक है, मोर। नाग से क्या याद रखोगे, नाग से हम याद रखते हैं कि नागफणी, ये भी एक सुषिरवाद यंत्र का ही भाग है, यह सुषिरवाद यंत्र है। ठीक है, नाग सू, सू से याद रखना दोस्तों सुरनाई। क्या याद रखोगे सुर से, सुरनाई, सुरनाई। मसक, मसक से याद रखना, मसक भी एक कौन सा वाद्य यंत्र है, सुषिरवाद यंत्र। ठीक है, ये आसान ट्रिक है, और देखो इसमें सारे आपके जितने भी इम्पोर्टेंट है वो सब याद हो जाएंगे। फिर है कर, कर से क्या कर रहा है वो, करना। कर से क्या हो याद होगा अपन को, करना, क्योंकि इसमें कर छिपा हुआ है। बा से हो जाएगा बाकिया, बा से क्या होगा, बाकिया। ता से क्या हो जाएगा दोस्तों, तारपी, ता से क्या हो जाएगा, तारपी। देखिए, भू सतह करबा ताण, तो तान से क्या हो गया, ता से तो तारपी, और न से हो जाएगा नफीरी, तान तो ये हो गया। भू, भू से याद रख लें दोस्तों, भूंगल। क्या याद रखोगे भू से, भूंगल, भूंगल याद हो जाएगा। और भू सतह, सतह से क्या याद रखोगे दोस्तों, संतारा, भू सतह घूम रहा है, तो भू से भूंगल याद हो गया, सतह से संतारा याद हो गया। घूर, घूर से क्या याद होगा, घुरलियो। क्या याद होगा घूर से, घुरलियो, घुर रहा है, मैं घुर आ गया तो वो हो जाएगा घुरलियो। और रह, रह आ रहा है लास्ट में, घुर रह,
तो र में क्या याद आ जाएगा, रणभेरी। इम्पोर्टेंट है इसमें देखो, आर एस आई पी इनमें पूछते हैं कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सुरनाई कौन सा वाद्य यंत्र है और मशक कौन सा वाद्य यंत्र है। पूछे गए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से हैं। देखो एक तो रणभेरी याद रख लेना, रणभेरी, मशक, सुरनाई, नागफणी, मोरचंग, और लगभग लगभग ये तो वैसे सारे ही हैं लेकिन जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं उन सभी के बारे में बता रहा हूँ। नफीरी, नफीरी और मोरचंग तो बता ही रहा हूँ, मोरचंग और नड, ये अधिकतर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं तो ये तो इम्पोर्टेंट है। बाकी ये सब आए हुए क्वेश्चन है सारे दोस्तों कि कौन सा वाद्यंत्र सुशीर वाद्यंत्र है या इनमें से कौन सा वाद्यंत्र सुशीर है। तो अब और अदर जो अपन को याद रखते हैं, ये याद बिना याद रखते रखने से ही आपको याद है, तो वो कौन कौन से हैं। देखो वो तो एक तो अलगोजा जो आप सभी जानते हैं, मूर्छे बजाते हैं, बांकिया भी जानते हैं, बांसुरी जानते हैं और बीन जानते हैं, ये सभी सुशीर वाद्य यंत्र हैं यानी फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए आज अपनी सुशीर वाद्य यंत्रों की ट्रिक। तो दोस्तों पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लें जिससे अवनद वाद्य यंत्र भी आपको याद हो जाएंगे, और जो ताल वाद्य यंत्र हैं ताल वाद्य यंत्र को ही अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं तो वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। मैंने दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं पहले ही इसके वाद्य यंत्रों के, लास्ट है जिसमें आपको मैं जो बचा है उसके और इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन हैं अधिकतर रिपीट होने वाले क्वेश्चन वो सभी मैं अगले वाले वीडियो में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों धन्यवाद आप सभी का।